हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। मेरा नाम है अनुज और आप हमारे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हमेशा से हमारे लिए कन्फ्यूजन का पार्ट बना रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। भारत के राज्य 28 हैं या 29, केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं या 8, इसमें हमेशा हमारे लिए कन्फ्यूजन बना रहता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सात बहनों से स्टार्ट करते हैं। भारत की सात बहनें कहे जाने वाली में से एक बड़ी बहन है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। वहीं दूसरे नंबर पर है असम, जिसकी राजधानी दिसपुर, और फिर मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वहीं मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलांग, मिजोरम जिसकी राजधानी आइजोल, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और छत्तीसगढ़ की रायपुर। झारखंड की रांची, उत्तराखंड की देहरादून। वहीं तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद है। वहीं बिहार की राजधानी पटना, गोवा की राजधानी पणजी, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, कर्नाटक की बेंगलोर, केरल की तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र की मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ और पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ये हो गए हमारे 29 राज्य और इनकी राजधानियाँ। अब दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो आपको बता दें कि भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से पहले नंबर पर आता है देश की राजधानी दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर, पुडुचेरी जिसकी राजधानी स्वयं पुडुचेरी ही है, लद्दाख की लेह, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कवरत्ती, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप की दमन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बता दें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश वह होता है जहां केंद्र का अधिकतर शासन होता है, यानी जहां अभी मोदी जी बैठे हुए हैं वहां शासन उनका ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, इसमें सीधे केंद्र की दखलअंदाजी होती है। वहीं आपको बता दें कि जो राज्य होते हैं उनमें एक मुख्यमंत्री होता है, जिसमें राज्य की अधिकतर सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है। वैसे आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजबल लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।